बुकिंग करवाने से पहले कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल रहता है कि रूम कैसा होगा। तो चलो ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशली बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। माता वैष्णो देवी की यात्रा पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको होटल रूम्स गेस्ट हाउस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे में आज मैं कोई लग्जरी होटल की वीडियो नहीं, एक नॉर्मल और एक बजट फ्रेंडली रूम्स की वीडियो लेकर आप सबके लिए आया हूँ। पहले पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो को देखने के बाद अगर आपका मन करेगा बुकिंग करने का तो आप तभी बुकिंग कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो रूम्स बताने लेने जा रहा हूँ उसमें आपको पूरी चीज़ें पहले समझना चाहिए। सबसे पहले वीडियो में देखो, ये है एक डबल बेड और एक डबल बेड ये, यानी ये रूम जो है टोटली 4 बेड का है। देखूँ तो मैं इतना रूम जो है छोटा भी नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आराम से कंफर्टेबल से मैं समझता हूँ वैसे तो 4 लोगों के लिए ये जगह है, लेकिन अगर आप 5 या 6 यानी 3-3 लोग करके इस रूम में बड़े आराम के साथ आप रह सकते हैं, सो सकते हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी यार कि होटल्स तो बहुत हैं, लग्जरी तो बहुत हैं, 3-स्टार 4-स्टार प्रॉपर्टी तो बहुत है, लेकिन एक बजट फ्रेंडली एक मध्यम वर्ग के लिए जो एक बजट होता है उसके लिए होटल की वीडियो बना के भेजो। तो ये भाई रूम देख लो, कुछ इस प्रकार का रूम है। ब्लैंकेट वगैरह देख सकते हैं, बेडशीट वगैरह देख सकते हैं, पिलो वगैरह भी देख सकते हैं, बेड का साइज भी देख सकते हैं, और सामने भाई अलमीरा भी लगी है उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगी, साथ साथ में अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो जनरेटर की सुविधा भी है, और इसके साथ 2 चेयर्स लगी हुई हैं, 2 छोटे छोटे टेबल भी लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो भाई ये होटल की लोकेशन है कटरा का जो मेन चौक है यानी फाउंटेन चौक है, एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ये है भाई 4 बेड का रूम्स है, और इसकी जो बुकिंग है आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, और ऑफलाइन जो मेरा नंबर है मुझसे संपर्क करके भी डायरेक्टली आप मुझसे भी बुकिंग इसकी ले सकते हैं। लेकिन जनरली आप सभी को बताना चाहता हूँ कि लोग जो है एडवांस 2-2 महीने पहले गवर्नमेंट के होटल्स प्रॉपर्टीज सस्ते में जो है बुकिंग करवा लेते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तो आप संपर्क कीजिए। अब आ जाती है बारी आप लोगों को रेट्स वगैरह बताने की, रूम का साइज बताने की, रूम की लोकेशन, तो वो ओवरऑल मैंने सब कुछ इन शॉर्ट में चीज़ें बता दी हैं। अब ये एक डबल बेड है, यहाँ भी 3 लोग बड़े आराम के साथ आ सकते हैं, 2 ब्लैंकेट हैं और एक डबल बेड इस तरफ है, तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि यार 4 लोगों की कैपेसिटी ज़रूर है, मगर 5-6 लोग एडजस्ट हो सकते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो अधिकारी होंगे तो उनको रिक्वेस्ट वगैरह करके। तो चलो फ्रेंड्स अभी आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। चलो यहाँ से तो देखो भाई जो इसकी खिड़कियां हैं वो तो शायद 1-2 देख सकते हैं, बाहर का नज़ारा खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो है लोग आते हैं और रहते हैं। पंखा वगैरह आप देख सकते हैं, और साथ में चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी, मिरर वगैरह भी है, तो एक बेसिक फैसिलिटी यार मुझे लगता है कि इस रूम में अवेलेबल है जो इंसान को चाहिए होता है। आप देखो भाई लग्जरी जो होटल होते हैं उनमें तो काफ़ी सुविधाएँ होती हैं, पर यहाँ सिर्फ बात है सिर्फ रात को रुकने की, और रुकने के साथ साथ एक बजट भी देखना है, ठीक है। तो बजट इसका कोई ज़्यादा नहीं है, 4 लोग लगभग ये 700-800 तक जो रूम है ये आपको पड़ेगा इंक्लूडिंग टैक्स के साथ। अब देखो गवर्नमेंट समय समय के साथ रश के साथ यात्रा के साथ रेट अपने फ्लेक्सिबल होते रहते हैं, आप रियल टाइम पे डायरेक्ट फ़ोन करके ही बात कीजिए या वेबसाइट पर चेक करके, ताकि आपको बुकिंग्स मिल जाए एक एग्जैक्ट रेट में और बजट प्राइस में। जनरली देखो एक डबल बेड आजकल 1000 तक से नहीं मिलता है नीचे, लेकिन जब 4 बेड 1000 से नीचे मिल रहा है तो सोचिए 4-5-6 लोग बड़ी आराम के साथ यहाँ पर रुक सकते हैं। ऐसे में देखो भाई बहुत सारे लोगों की डिमांड्स थी भाई हमें ऐसे रूम बताओ जो बहुत सस्ते हो, तो मैंने भी कोशिश की है। अब चलते हैं भाई इसके बाथरूम, क्योंकि अटैच बाथरूम है नहीं है तो कामन बाथरूम है, तो 4-5 इस रूम के लिए बाथरूम भी है, यहाँ पर आप नहा वगैरह भी सकते हैं, और साथ साथ में आप देख सकते हैं नहाने के लिए 2-3 बाथरूम है और दूसरे भी 2-3 बाथरूम है। इसमें भी आपको देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देख कर ही आप बुकिंग करवाते हैं। तो कुल मिलाकर भाई इस प्रकार से रूम है, अगर आप बुकिंग करना भी चाहते हैं तो तभी आप लोग संपर्क कीजिए, नहीं तो भाई वीडियो देख लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो भाई एक
ऑथेंटिक कहते हैं ना, जगह पे आपको होटल है, डॉर्मेट्री रुकनी है।